हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ कमेंट्स के रिप्लाई करने वाले हैं। हो सकता है यार इनमें से आपके भी कुछ कमेंट्स या क्वायरी हो, उसके लिए यार यहाँ पे हम अपना यूट्यूब ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे पॉइंटर सॉफ्ट को सर्च कर लेते हैं। एंड पॉइंटर सॉफ्ट को जैसे ही हमने सर्च किया, यहाँ पे अपने चैनल पे हम विजिट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम फर्स्ट ही अपने जो कल ही हमारी देखो यहाँ पे 16 आवर पहले हमारी एक वीडियो गई है, उसके कमेंट्स को पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे क्वायरी आ रखी है। तो इसमें यार फर्स्ट यहाँ पे हमारा कमेंट यूजर की तरफ से आया नाइस इन्फॉर्मेशन। सेकंड कमेंट MTTech07 की तरफ से आया, ये कह रहे हैं सर आप एक वीडियो बना दीजिए कि इंडिया में बिजनेस शुरू करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस कैसे बनेगा, प्लीज आप इस पर एक वीडियो बना दीजिए। हमें बिजनेस शुरू करना है और हमें पता नहीं है इसे कैसे बिजनेस लाइसेंस ले या किसी GST का ऑनलाइन करें। जी हम कोशिश करेंगे MTTech07 की नेक्स्ट वीक तक हम एक वीडियो ऐसी अपलोड करें जिसमें हम पूरा कवर कर रहे होंगे कि अगर आप इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपने कंपनी के नेम पे GST नंबर रजिस्टर कर सकते हो एंड और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है जो आपको करनी पड़ेगी एक बिजनेस या एक स्टार्टअप को ओपन करने के लिए इंडिया में। और जो मनीष राजपूत का जो कमेंट यहाँ पे आ रखा था, ऐसा भी कर सकते हैं, जी हाँ सोशल मीडिया की हेल्प से हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा हाईली ग्रोथ पे ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पे फिर हम एक और वीडियो अपनी ओपन कर लेते हैं जो कि यार वीडियो का टाइटल था भाई एवरी बिजनेस नीड अ वेबसाइट। यहाँ पे यार फर्स्ट कमेंट हमारा आ रखा है साइनवुड कारपेंटर की तरफ से, सर वी आर रनिंग अ स्मॉल कारपेंटर बिजनेस, शुड वी डिजाइन अ वेबसाइट फॉर आर बिजनेस। जी हाँ ये वाला यार ये वाली जो क्वेश्चन है या क्वेरी है वो बहुत ज़्यादा आती है हमारे पास कि हमारा छोटा सा बिजनेस है, क्या हमें इस छोटे से बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या चलाने के लिए वेबसाइट बनानी है या नहीं। तो इसका आंसर है यार कि आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा मैटर नहीं करता, आपको एक वेबसाइट को यार आप एक टूल की तरह यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। विदाउट वेबसाइट यार आपका बिजनेस एक स्मॉल एरिया तक ही लोगों तक पहुंच पाएगा या जो आपके नोन या रिलेटिव है वही आपके बिजनेस के बारे में जान रहे होंगे, बट एक वेबसाइट बनाने से जो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी वो बहुत ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेबसाइट यार आपके बिजनेस को ग्लोबली रिप्रेजेंट करेगा जो कि आपकी लार्ज स्केल ऑफ ऑडियंस को आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करेगा। सो इसका आंसर है कि हाँ आपका बिजनेस छोटा है बड़ा मैटर नहीं करता, आपको वेबसाइट बनाना तो यहाँ पे यार कंपलसरी है। एंड यहाँ पे यार सेकंड वन यहाँ पे नॉर्मल कमेंट है, थर्ड वन यूजर की तरफ से वेरी नाइस एंड थर्ड वन कमेंट यहाँ पे फिर से वेरी ग्रेट वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया। फिर यहाँ पे मनस्वी पवार की तरफ से भी कमेंट है, फिर उसके बाद कन्हैया की तरफ से है, सर क्या पैकर मूवर की वेबसाइट 5000 में बन सकती है, प्लीज रिप्लाई। यहाँ पे यार जो डिपेंड करता है वो ये करता है कि आपकी वेबसाइट कितनी लेंथी है और कितने पेजेस की आप वेबसाइट को बना रहे हो। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करती है कि आप स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हो, डायनेमिक बना रहे हो या फिर किस टेक्नोलॉजी पे बना रहे हो, PHP, जावा, जावास्क्रिप्ट, तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिपेंड करती है। बट मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपकी 5-10 पेजेस की एक स्टैटिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट आप बना रहे हो तो वो 5000 में बन जाएगी, जिसमें कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वो होस्टिंग का क्या चार्ज आपसे ले रहे हैं या डोमेन नेम तो यार आप भी खुद परचेज कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके। एंड इसमें जो और कॉस्ट का मैं बताऊं तो कंपनी अपने जो डिजाइनर्स की कॉस्ट है वही इसी में इंक्लूड करती है कि अगर आप ऐसी कंपनी के पास अपनी वेबसाइट बना रहे हो जिसके पास एक्सपीरियंस है 10 ईयर या 10 ईयर से ज़्यादा, तो वो आपको 5000 में तो यार बना के नहीं देगी, वो हो सकता है आपको 10,000 या 15,000 तक आपको ऑफर करे। बट अगर आप ऐसी कंपनी के पास जा रहे हो या स्टार्टअप के पास जा रहे हो जिनके पास यार इतना भी एक्सपीरियंस नहीं है, वो आपकी वेबसाइट यार 5000 में बना देंगे। एंड आगे जो मैटर करता है वो ये करता है यार कि जो आपको कौन सा सर्वर आपको दे रहे हैं, अगर वो सर्वर अच्छा दे रहे हैं, होस्टिंग सर्विस अच्छी है, तो आप 5000 में भी उस कंपनी से अपनी वेबसाइट बनवा सकते हो। मेनली यहाँ पे जो कॉस्ट आती है वो डिजाइनर या डेवलपर की आती है यार, जो आपकी वेबसाइट को यहाँ पे डेवलप कर रहा है। सो 5000 में आपकी वेबसाइट हाँ बन सकती है 5-10 पेजेस की, अगर इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, अगर लॉजिक वाला पार्ट वहाँ पे है या कोई फॉर्मूला या कुछ डायनेमिक चीज़ें वहाँ पे आ रही है तो 5000 में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे यार अगला जो कमेंट आ रखा है वो आ रखा है उमंग गोयल की तरफ से, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो यार वेबसाइट को बनाने के लिए आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी को दे सकते हो, अगर आपकी कंपनी का GST नंबर रजिस्टर्ड है वो आप कंपनी को दे सकते हो, अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसकी डिटेल आप कंपनी वालों को दे सकते हो। एंड ये सारी डिटेल देके यार आपकी वेबसाइट नॉर्मल बन जाएगी, इसमें आपको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। बट मेन यहाँ पे आता है यार डोमेन नेम का, जो आप बिजनेस रन कर रहे हो उससे रिलेटेड आप एक अच्छा सा डोमेन
नेम सर्च कर सकते हो एंड एक अच्छे होस्टिंग अच्छे सर्वर पे यार अपनी वेबसाइट को अपलोड करें ताकि वो 24/7 चलती रहे। तो यहाँ पे वेबसाइट बनाने के लिए यार मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ होना चाहिए, बस आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना एड्रेस एंड जो आप सर्विसेज दे रहे हो उसकी डिटेल आप कंपनी वालों को दें एंड वो आपको एक अच्छी डिजाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बना के आपको दे सकते हैं। एंड यहाँ पे रवि जी का कमेंट आ रखा है, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन इंडिया। सो यार मैक्सिमम यही कमेंट हमारे पास आते हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए या कितने बजट में आपकी वेबसाइट बन सकती है। सो मैं आपको यही बताना चाहूँगा यार, ये कंपनी टू कंपनी मैटर करता है कि आप किस कंपनी से सर्विस ले रहे हो वेबसाइट डिजाइनिंग या वेबसाइट प्रमोशन की। अगर आप स्टार्टअप से ये वाली सर्विस ले रहे हो तो आपको यहाँ पे लो कॉस्ट में एक वेबसाइट या उस वेबसाइट का प्रमोशन देखने को मिल जाएगा। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस कंपनी से ले रहे हैं तो उनका बजट यार एज कंपेयर टू स्टार्टअप हाई रहेगा। सो अगर आप भी अपने बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट बनवाना चाहते हो, एसईओ करवाना चाहते हो या डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।